Good morning, children. Welcome to GK class. This is your GK book. आज हम GK की बुक का न्यू चैप्टर करेंगे. आप निकालिए पेज नंबर 14. पेज नंबर 14, डेज टू रिमेंबर. अब हम क्या जो इम्पॉर्टेंट डेज होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. कौन सी डे को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट. सभी बच्चे पेंसिल ले लेंगे अपने हाथ में. वी सेलिब्रेट सम इम्पॉर्टेंट डेज फॉर सम स्पेशल रीज़न. वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज सम स्पेशल रीज़न. कुछ रीजन्स है कि हम उनकी वजह से इस चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं. गिवन ब्लो आर सम इम्पॉर्टेंट डेज, आपको नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज दिए हुए हैं. टिक द करेक्ट डेट्स ऑन विच दे आर ऑब्जर्व्ड, और आपको ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान. हमारा संविधान कब बनाया गया था और इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट इज, आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं. फर्स्ट इज 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 29 जनवरी. तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं अपना संविधान दिवस, 26 नवंबर. आप यहाँ टिक करेंगे. सेकेंड इज इंटरनेशनल लेबर डे. लेबर डे मीन्स मजदूरी. जो मजदूरी का दिवस होता है वो कब सेलिब्रेट करते हैं. ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट मई, बी इज 10th मई, सी इज 18 मई. तो कब सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट मई. थर्ड इज वर्ल्ड फूड डे. वर्ल्ड फूड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन में देखेंगे. ए 16 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर. कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 अक्टूबर. फोर्थ इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों. आप सभी, आज क्या है, ट्यूसडे, और अभी 2 दिन पहले संडे था, तो हमने कब सेलिब्रेट किया था और क्या डेट थी उस दिन, 11th जुलाई. तो ऑप्शन ए इज 11th जुलाई, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 18 मार्च. तो कब सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11th जुलाई. फिफ्थ इज अर्थ डे मीन्स पृथ्वी दिवस. कब मनाते हैं, फर्स्ट इज 18 अप्रैल, बी इज 7 अप्रैल, सी इज 22 अप्रैल. तो कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 अप्रैल. सिक्स्थ इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. वर्ल्ड पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस. ऑप्शन दिए हुए आपको, ए 1st जून, बी 5 जून, सी 15 जून. कब सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून. सेवन्थ इज वर्ल्ड वाटर डे. वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च. कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 मार्च. ये हम डे सभी एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. एट इज इंटरनेशनल वुमेंस डे. वुमेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन इज 1st मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च. तो कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च. नाइन्थ इज ह्यूमन राइट्स डे. ह्यूमन राइट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर. हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर. आप सभी को ये अपना जो वर्क है अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करना है. उसमें आप कैसे करोगे, अपनी कॉपी में डेज टू रिमेंबर डेट डालेंगे आज की,
फर्स्ट इज लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप इनका कॉपी में जब लिखेंगे आंसर लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 26 नवंबर, ठीक है, ऐसे करके इक्वल टू का साइन डाल के आप सभी लोग लिखेंगे। तो मैंने आप सभी को बता दिया है आपको अपनी नोटबुक में कैसे वर्क करना है। सभी बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। अब गुड टू नो, अब हम इसको जानते हैं, इंटरनेशनल योगा डे और योगा डे, जिसको हम योगा डे और इंटरनेशनल योगा डे बोलते हैं, इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून एंड वॉज डिक्लेयर्ड सो बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 11 दिसंबर 2014। हम एवरी ईयर इंटरनेशनल डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, कब, 21 जून, कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को एवरी ईयर। और ये जो डे होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये किसने डिक्लेयर किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, कब किया था, 11 दिसंबर 2014। जैसे आपको पता है टीचर्स डे भी होता है, तो टीचर्स डे कब होता है, टीचर्स डे होता है आपका 5 सितंबर को। ऐसे बहुत सारे डेज हैं जो हम आप सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, आप सभी को याद है, ठीक है। ए कार फ्री डे एनकरेजेस motorists to give up their cars for a day, 22 September is World Car Free Day। तो 22 September कौन सा क्या celebrate करते हैं हम, World Car Free Day, means उस दिन सभी लोग जिनके पास कार है वो अपने कार use ना करें, ठीक है। ये चीज़ भी आप अपनी, जैसे 9-10 points आपका हो गया इंटरनेशनल योगा डे, 10 point एंड 11, ये 11 तक आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। जय हिंद बच्चों।